देखते हैं कि महारस होते हैं 8, और वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम है अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक, जिसे हम कहते हैं खरपर। ठीक, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे महारस के बारे में, जो कि रस शास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। महारस के अंदर उसका शोधन, उसके पर्याय और उसके भेद से AI APGT एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम महारस देखते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है। रस रतन समुच्चय, रसायण और गोरख संहिता के अनुसार महारस होते हैं 8, और रसो उपनिषद के अनुसार होते हैं महारस 7, और आयुर्वेद प्रकाश और रसो उपनिषद मतलब पारद को महारस में शामिल किया गया है। आप सबको पता होगा पारद का पर्याय रस है, लेकिन महारस के अंदर पारद को सम्मिलित सिर्फ आयुर्वेद प्रकाश और रसो उपनिषद ने किया है। हम जो कि रस शास्त्र में ज़्यादातर मत मान के चलते हैं रस रतन समुच्चय का, तो इसीलिए हम मानते हैं कि महारस होते हैं 8, और वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम है अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक, जिसे हम कहते हैं खरपर। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके पर्याय। अभ्रक के मतलब कि इनको और किस किस नाम से हमारी संहिताओं में मिलता है इनका वर्णन। ख, गिरिज, बहुपत्र, आप सबको पता होगा अभ्रक पत्र होते हैं इनके, तो बहुपत्र अभ्रक का पर्याय है। गोरी तेज, ये अभ्रक का पर्याय है। गोरी रज, गंधक का पर्याय है। ठीक है, तो आप सबको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रज्ञा बोध अभ्रक का पर्याय है। विक्रांत के पर्याय क्या है, जीर्ण वज्रक, चूर्ण वज्रक और शोभामणि। ये इम्पोर्टेंट पर्याय मैं आपको बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। वैसे और भी बहुत सारे पर्याय होते हैं, लेकिन आप ये याद कर लोगे तो ये आपके लिए सफिशेंट होगा। अब आता है माक्षिक। माक्षिक आगे स्वर्ण माक्षिक के जैसे ताम्र, गंध, आयास, मधु, धातु। ठीक है, रौप्य माक्षिक का गंध, आयास और तारण, और विमल का पर्याय है जो वर्णित नहीं होते। शिलाजतु को अश्वसार, अतिथि। ठीक है, और सस्य के पर्याय ताम्र गर्भ, शिखी गिरव, वीतुनुक, मयूरक, ये सब सस्य के पर्याय हैं। चपल के भी पर्यायों का वर्णन नहीं मिलता। रसक के पर्याय हैं नेत्रोगारी, ऋतिकृत, ताम्र रंजक और शीतिकीट। ठीक है, इस प्रकार अभी हमने देखे महारस के पर्याय। अब आते हैं इनके भेद। भेद अभ्रक के 4 भेद हैं, पिन्नाक, नाग, मंडूक, वज्राभ्र। वर्ण भेद से 16 प्रकार के हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक का 4 भेद 4। ठीक है, तो इस प्रकार 16 हैं। विक्रांत के रस रतन समुच्चय ने 8 और सावनव ने 7। आपको इसकी बस संख्या पता होना चाहिए कि विक्रांत कितने भेद मान्य हैं, रस रतन समुच्चय ने 8, क्योंकि जितने महारस होते हैं उतने ही उसने भेद मान्य हैं। माक्षिक यानी 2, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। विमल के 3, स्वर्ण विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल। शिलाजतु के 4, आचार्य चरक के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहो। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 6, उन चारों प्लस नाग और वन को ऐड कर दिया गया है। और 2 और प्रकार हैं, वो हैं गौमूत्र गंधी, कर्पूर गंधी। ठीक है, ये शिलाजतु के पर्याय होंगे। अब आ गया है सस्यक के पर्याय। सस्यक की प्राप्ति भेद से 2, स्वभावज और कृत्रिम, और वर्ण भेद से भी 2, रक्त वर्ण और कालिक। चपल के 4 भेद, वर्ण भेद से गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। रसक के पर्याय इंपॉर्टेंट है रस रतन समुच्चय के अनुसार 2, दद्रु और कारवेलक। ठीक है, रसायणव के 3, मृतिकाकार, गुड़ाभ और पाषाणाभ। ठीक है, ये थे पर्याय, और पर्याय से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है शोधन। शोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है महारस का। अभ्रक का शोधन आपको ऐसे नहीं पता, नहीं कैसे विधि याद करनी है, किस द्रव्य से शोधन होता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। जैसे अभ्रक का शोधन होता है गोमूत्र से, गोदुग्ध से, कांजी से, त्रिफला से, कवात में 7 बार बुझाने से अभ्रक पत्र का शोधन हो जाता है।
विक्रांत में। विक्रांत का शोधन होता है कुलत्कवात से, स्वेदन करने से या अश्व मूत्र को 21 बार बुझाने से। इसमें अश्व मूत्र में 21 बार बुझाने से इसका शोधन होता है। आप इसको विक्रांत को ऐसे याद रख सकते हो कि विक्रांत के कुल में कुल 21 घोड़े थे। विक्रांत के कुल में 21 घोड़े थे। कुल यानी कुलत, घोड़े यानी अश्व मूत्र, या 21 यानी 21 बार बुझाना है। मार्कशीर त्रिफला के क्वाथ में 7 बार बुझाना है, तो मार्कशीर का शोधन हो जाता है। विमल वैसे वासा, वासा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विमल का शोधन किससे करते हैं, वासा सवरस से, जंभीर नींबू सवरस से, मृग श्रृंग सवरस से, दोलायंत्र में 3 घंटे तक स्वेदन करते हैं। शिलाजंतु का शोधन क्षार, अमल और गोमूत्र में प्रक्षालन करके, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि शिलाजंतु का भेद भी मैंने बताया था, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, तो गोमूत्र से ही शिलाजीत का शोधन होता है। सस्यक रक्त वर्ण के द्रव्यों से के क्वाथ से, ठीक है, जितने भी रक्त वर्ण के द्रव्य है जैसे मंजिष्ठा आदि हो गए, इनसे हम सस्यक का शोधन करते हैं। चपल का करते हैं जंभीर, बंध्या करकोटी और आद्रक शवर से। ये आद्रक शवर से इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 बार भावना देके चपल का शोधन हो जाता है। अब आता है रसक। रसक का शोधन होता है कटुक अलाबु निर्यास से। ये जितने भी शोधन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कटुक अलाबु है, ठीक है, विमल है वासा सवरस से, माक्षिक का त्रिफलाकवाद से, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने अभी देखे शोधन। अब आते हैं उसके इंग्लिश नाम। इंग्लिश नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शोधन इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे अब्रक को हम बोलते हैं माइका, और जो फॉर्मूला है ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे विमल का आयरन पायरेट है Fe2S3, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। विक्रांत को टर्मलाइन बोलते हैं K2O Al2O3 6SiO2, ठीक है। मार्कशीर को पायराइट बोलते हैं, कॉपर को है, मतलब कि कॉपर का एक ही रासायनिक कम्बिनेशन होता है। शिलाजंतु को एस्पेंटेटम पंजाबिनियम बोलते हैं, और सस्य को कॉपर सल्फेट बोलते हैं Cu4S7S2, ये कॉमनली पूछा जाता है सस्य का। चप्पल को बिस्मत और होता है ये, ठीक है। रसक कैलामाइन बोलते हैं, जो कि एक जिंक और होता है Zn3 extra, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा महारस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे महारस की संख्या रस रतन समुच्चय रसायण गोरख संहिता में 8 मानी है, रसोपनिषद ने 7, और आयुर्वेद प्रकाश और रसोपनिषद ने पारद को भी महारस में सम्मिलित किया है। महारस कौन कौन से है, 8, अभ्रक, विक्रांत, मार्कशीर, विमल, शिलाजंतु, सस्यक, चपल और रसक, जिसे हम खर पर बोलते हैं। पर्याय, अभ्रक का पर्याय ख, कीरिज, बहुपत्तर, गोरी तेज इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा बोध, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, चूर्ण वज्रक, शोभामणि, ठीक है। मार्कशीर स्वर्ण मार्कशीर का पर्याय है ताम्र गंधायस, ठीक है, मंधु धातु, और रौप्य मार्कशीर का गंधायस तारण। विमल का पर्याय वर्णित नहीं है। शिलाजंतु आत्मसार, अतिथि, आद्रिज। सस्यक को कहते हैं ताम्रगर्भ, शिखिग्रीव, वीतुनक और मयूरक, ये सस्यक के पर्याय हैं। अब आते हैं चपल। चपल का पर्याय मतलब कोई वर्णित नहीं है। रसक का है नेत्र रोगारी, ये इंपॉर्टेंट है, नेत्र रोगारी रसक का पर्याय है। ऋतिकृत, ताम्र रंजक, चितिकिट, ये रसक के पर्याय हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भेद इनके। अभ्रक के 4 भेद, पिनाक, नाग, मंडूक, वज्राभर, वर्ण भेद से 16, विक्रांत के 8, रसायनों के अनुसार 7, ठीक है, रसरतन समुच्चय ने 8 माने हैं। मार्कशीर के 2 स्वर्ण मार्कशीर, रजत मार्कशीर, और विमल के 3 स्वर्ण, रौप्य और कांस्य। शिलाजंतु के आचार्य चरक ने 4 स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 6, 4 आचार्य चरक वाले और नाग और वन को ऐड किया है। अन्य 2 प्रकार है गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। सस्यक प्राप्ति भेद से 2, स्वभाव और कृत्रिम, वर्ण भेद से रक्तवर्ण और कालिक। चपल के भी 4, वर्ण भेद से गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। रसक के रसरतन समुच्चय ने 2, ददरु और कारवेलक, रसायनों ने 3, मृतिकाकार और गुड़ाब और पाषणा। शोधन, अभ्रक का शोधन गोमूत्र, गोदुग्ध, कांजी, त्रिफला के क्वाथ से 7 बार बुझाने से। विक्रांत के कुल में 21 घोड़े थे। कुलत्कवाथ से स्वेदन और असम मूत्र से 21 बार बुझाना। मार्कशीर का त्रिफला क्वाथ में 7 बार बुझाना। विमल वासा सवरस से, जंभीर सवरस से, मृग श्रृंग सवरस से, दोलायंत्र में 3 घंटे तक स्वेदन। शिलाजंतु का गोमूत्र से प्रक्षालन, ठीक है। सस्यक रक्त वर्ण के द्रव्यों के क्वाथ के 7 बार भावना। चप्पल का जंभीर, बंध्या करकोटी और आदरक सवरस से, ये इंपॉर्टेंट आदरक सवरस। रसक का कटुक अलाबु निर्यास में रसक का पाक करना है। इंग्लिश ने अभ्रक का मायका, विक्रांत का टोरमलाइन, मार्कशीर को पायराइट और विमल को आयरन पायराइट।
सिलाजतु को एसफेंटम पंजेबिनियम, सस्य को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, चपल को बोलते हैं बिस्मथोर, और रसक होता है कैलामाइन जो कि एक जिंकोर है। इस प्रकार आज हमने देखा महारस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।